हरे कृष्णा क्रीजन वेलकम टू मी एंड आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में किसी से कुछ कह रहा है, well, है आज का टॉपिक एंड उसके लिए हम करने वाले हैं पिक अ कार्ड रीडिंग एंड पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट जो कि है राइज एंड शाइन फर्स्ट एंजलिक मैसेज एंड सेकंड एंजलिक मैसेज जो है वो है इज इस यू वर्ष ठीक है तो अगर आपको लग रहा है कि राइज एंड शाइन ये आपके लिए है हसो एंड बी हैप्पी एंड हेल्दी एंड डू वर यू वॉन्ट एंड हैव फन एंड सेकेंड जो है वो इज़ योर विश वर अबाउट योर विश अगर आपको कहीं पर तकलीफ हुई है यू you नो know, कि आपको विश तो बहुत थी लेकिन किसने अगर तकलीफ दी है या फिर आपको बस वही व्यक्ति चाहिए वही सब चाहिए यू you नो know, कि वो आन देट पोजिशन वो आ सिचुएशन तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके लिए हो सकता है ठीक <coughs>

कि मैंने से लामिनेट किया है तो बहुत ज़्यादा डेक हुआ है बहुत बड़ा ठीक है चलो चुनते हैं कुछ कार्ड वन एंड ये आ गया टू ये आ गया है थ्री एंड ये आ गया है फोर ठीक है तो राइस एंड शाइन के लिए पहले तो चार कार्ड आ गए अब इसमें से भी चार कार्ड निकालते हैं ठीक है चलो चार कार्ड निकालते हैं इसमें से वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर ठीक है एंड फाइनली इसमें से कुछ कार्ड्स निकालते हैं ठीक चलो कहते हैं इसकी शफलिंग अगर ऐसी किसी को अच्छी लगती है तो वी गो <laughs> चलते हैं कुछ कार्ड्स वन एंड टू एंड थ्री ओके क्यों नहीं आ रहा ठीक है एंड फोर ठीक है तो ये चार कार्ड आ चुके हैं वैसे अगर रियल लाइफ में बोलूँ तो मैंने बहुत लोगों के लिए रीडिंग की है जिन भी लोगों के लिए रीडिंग की है रेजोनेट तो उनसे हुई है ओके फिर चाहे कोई मेरा दोस्त हो या फिर सनबड़ी एल्स जिनको जरूरत थी आर रीडिंग ही दैम मैंने पहले इससे कार्ड चुने ना ओके नॉट एन इशू चलो फिर कहते हैं इसकी शफलिंग ठीक है चलो देखते हैं यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं वन ओके okay, तीन कार्ड डायरेक्टली आ गए और ये आ गया फाइनल चौथा कार्ड ठीक है कार्ड कैसे कब आएंगे यू नेवर नो ओके फिर है ये चलो देखते हैं चार कार्ड वन टू थ्री फोर ठीक है तो ये आ गए चार कार्ड एंड फाइनली इसमें से चार कार्ड चुनते हैं ठीक है म्यूजिक बहुत पसंद है अपलोड किया था मेरे गाने के बारे में सुना माइक अपलोड वीडियो मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग के लिए एक वायरलेस माइक आ चुका है थैंक्स टू दी रिकॉर्डिंग जो मैंने अभी परचेज किया मतलब जो रिकॉर्डिंग डिवर्स थी लेट्स कनेक्ट नाउ एंड हियर वी गो तो हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट्स पहला है राइज एंड शाइन सेकंड से विश लेट्स कनेक्ट टू इट समय हो गया है 3 मिनट और 55 सेकंड ठीक है राइज एंड शाइन चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग हो गई है रीडिंग क्या है पहला जो कार्ड है वो है कॉइंस सेकंड जो कार्ड है वो है द स्टार ओके ये है विश कार्ड इसको भी रखते हैं यहाँ पे फिर है द सन ठीक है इसको रखते हैं यहाँ पे एंड फिर है द मैजिशियन ठीक है तो हमारे सामने टोटल वन टू थ्री फोर कार्ड्स आ चुके हैं एंड वी गोना डू द रीडिंग फॉर इट ठीक है तो हम करने वाले हैं रीडिंग रिगार्डिंग द तो Whatever you feel, you feel, can also connect with the reading क्ट विदिंग well. देखो तो हमारे सामने पहला जो कार्ड है वो फो ऑफ कॉन्स लेकिन ये रिवर्स में आ चुका है तो आई थिंक ये पर्सन पहले अपने रिश्ते के बारे में लोगों से यू you नो know, बताता नहीं था लोगों से कुछ कहता नहीं था आई गेस दैट ये पर्सन शायद पहले परेशान था या फिर इसको uh, ज़्यादा भरोसा नहीं था ठीक है किसी के भी ऊपर लाइक मे बी कौन उसके बारे में क्या सोचेगा क्या बोलेगा क्या उसका कोई मजाक उड़ाएगा या फिर कोई आपको लेके उसको ताने मारेगा वड़े या फिर कोई उसको टांट मारेगा वे वही द पर्सन वॉज नॉट थिंकिंग वेरी वेरी सिक्योर लेकिन अभी आई थिंक ये पर्सन अभी इस मूमेंट से बाहर पड़ चुका है अब डिपेंड होता है कि आप की आपका रिश्ता अभी कैसा है ठीक है Somewhere I feel that दैट मे बी यू आर कनेक्टेड विद दिस या तो आपका इसके साथ कनेक्शन है भी या फिर कहीं ना कहीं अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो अभी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए ये पर्सन दूसरों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है कॉइंस है अर्थ साइन है जो कि टोरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन एंड दैट्स वाई वी गॉट द रीडिंग ओवर हीयर ठीक है तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो बस यही बात नज़र आती है कि ये पर्सन अभी किसी से भी बात कर सकता है रिगार्डिंग यू ठीक है सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है द स्टार। सो द स्टार कार्ड यहाँ पे आ चुका है जो भी रिवर्स में है जस्ट लाइक द पेंटिकल्स। सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन वेल ये एक्वेरियस का साइन है तो वॉट साइन यहाँ पे आ चुका है एज सीट दार्ड इट सल बहुत ही ब्यूटीफुल गाड़ी है सिंपल मीनिंग है कहीं ना कहीं इसकी विश जो है वो पूरी नहीं हो रही है या तो अगर आप दोनों का रिश्ता जो है वो एक सीधे आने पर कहीं ना कहीं पर जा रहा था लेकिन अभी बीच में रुकावटें आ रही हैं रुकावटें अलग अलग, अलग तरीके की हो सकती है लाइक मे बी आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं उनको आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस थी यू you नो know? वो पूरी नहीं हुई शादी करना चाहते थे शायद फैमिली ने कोई प्रॉब्लम कर दिया या फिर बिकॉज ऑफ द जॉब टेंशन आ गई किसी का जॉब छूट गया फिर यू you नो know, बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है या फिर बहुत सारा जो टाइम है उन्होंने घर में ही बिता दिया एंड घर में तो आपको पता ही है नॉट एवरी वन इज़ रिलैक्स या फिर किसी को यू नो फ्री मोमेंट नहीं होती कभी आप फ्री होते होते कभी वो फ्री होते हैं तो ऐसे हालत में सबके सामने तो आपसे बात नहीं कर सकते कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि इनकी या तो इच्छाएँ पूरी नहीं हो रही हैं यू you नो know, तो समर्ग के जैसे बात कर रहे हैं तो मे बी इसके बारे में हो सकता है कि कैसे मैं उनसे बात करूं कैसे जुड़ सकता हूं कब हमारा रिश्ता आगे जा सकता है कैसे कैसे चुप चुप के हम मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट तैसे कुछ चीज़ें शायद उनके ज़िंदगी में आ सकती हैं लेकिन फिलहाल के लिए तो आई थिंक उनके पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है ठीक है दैट्स द पर्सन इज़ नॉट हैप्पी अबाउट इट वो शायद इसके इसको लेके ही ज़्यादा परेशान हो सकता है ठीक है थर्ड जो कार्ड यहाँ पे वो है द सन एंड सन कार्ड बहुत ही प्रॉम्प्ट कार्ड होता है इट कनेक्ट्स विथ योर सोल आपकी एनर्जी दर्शाता है कहीं ना कहीं अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो बस यही हमें समझ में आता है कि भाई ये पर्सन जो है वो आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है या फिर है लेकिन ये शायद उसने आपको बताया भी होगा या फिर नहीं भी लेकिन उसके शायद आपको लगे कुछ प्लान्स चल रहे हैं ठीक है यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी पास्ट पोजिशन दिख रही है समय द पर्सन इज़ नॉट फीलिंग गुड उसको लग रहा है कि भाई जो भी आप दोनों ने मिलकर प्लान्स बनाए थे कि भाई आगे चल के शादी करेंगे या फिर आगे चल के बात करेंगे जो भी हो रिश्ता अगर बना है तो कहीं बाहर जाएंगे घूमेंगे वगैरह वो नहीं हो रहा है लिमिटेशंस आ रहे हैं शायद कोई डिस्टरबेंस कर रहा है या फिर आपसे बात करने का मौका उन्होंने गवा दिया है या फिर सडनली किसी एक्स ने कम बैक कर लिया आपने उनसे बात करने से मना कर दिया या फिर आप किसी और मैटर में बिजी हो द सन में हमें ये नज़र आ रहा है जो भी अभी प्रेजेंट सिचुएशन है कि ये पर्सन प्रेजेंट से लेके फ्यूचर में क्या करेगा आई थिंक द पर्सन इज़ ट्राइंग टू मेक अ मूव या तो डायरेक्टली आपसे मिलने के लिए कहीं से भी आ सकता है ये हो सकता है या फिर आपके सामने कोई प्रपोज़ल रख सकता है कि अगर आगे से अगर हमें बात करनी है तो हम ये करेंगे यू you नो know? तो समवेयर अभी इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं बल्कि उसने अपने आप को इस तरह से ढाल दिया है कि या तो वो आपको अपना बना के रहेगा या तो फिर आपसे बात ही नहीं करेगा यू you नो know? तो समवेयर वो अभी वन बाय वन आ, कोई ना कोई आई थिंक एक योजना बना रहा है आइडिया बना रहा है आपको लेके ठीक है सन कार्ड है वही नज़र आ रहा है तो मेजिशियन एक और कार्ड आ रहा है ओके okay? और अगर हम इससे कनेक्ट करें तो कहीं ना कहीं फीलिंग ये आ रही है कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट ज़रूर करना चाहता है लेकिन शायद उसे आपसे कनेक्ट करने के लिए कोई चेंजेस करने पड़ सकते हैं अपने प्लान्स में अब वो प्लान हो सकते हैं कि मे बी ऑल ऑफ ए सरेंट वो आपके लिए कोई बहाना बना सकता है यू you नो know? uh, अपने बॉस से भी झूठ कह सकता है या फिर किसी से भी जस्ट बिकॉज टू मीट यू और टू सी यू यू नो तो आपके लिए बहाने बनाना ये भी उनके फिर में हो सकता है अब देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आ आखिरी है देखो पहला जो कार्ड है वो है सेपरेशन जैसे मैंने कहा कि मे बी आप दोनों में शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज फोर ऑफ कॉन्स जो है ये कार्ड मोस्टली तब आता है जब uh, इंसान या तो बहुत पजे होता है और पॉजिटिवनेस तब निकल जाता है जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती जैसे कि अब अगर हम पैसों की बात करें तो कोई पर्सन बहुत लालची होता है कि मुझे पैसे चाहिए लेकिन मान लो कि कोई बहुत बड़ा मोमेंट उसकी ज़िंदगी में आ चुका है शायद किसी का हॉस्पिटलाइजेशन है या फिर उसको कहीं पे एडमिशन लेना और पैसे ही नहीं मिले और चांस छूट गया अब अगर आप इसको करोड़ रुपए भी दे दो तो उसका कुछ नहीं करेगा कि उसको अभी उसकी ज़रूरत नहीं है यू नो तो वैसे ही है सेपरेशन शायद आप दोनों के बीच या तो आ चुका है या फिर आ सकता है जिसको लेके ये परेशान हो सकता है सेकेंड जो कार्ड यहाँ पर वो है ट्रस्ट मी सो ट्रस्ट मी का बस इतना ही रीजन मुझे यहाँ पे दिख रहा है मोस्टली ये एडीस लियो सेगेठेरियस यानी कि फायर साइन हो सकता है देखो ये पर्सन आपको अपने इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहता है लेकिन इसमें भी मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं पहला ऑप्शन आ रहा है तब कि अगर ये पर्सन आपसे कुछ कह रहा है तो शायद कुछ बातें ऐसे हो सकती हैं कि ये पर्सन आपसे जुदा तो हो चुका है लेकिन फिर भी आपको कह रहा है कि आप उसके ऊपर भरोसा करो विदाउट हैविंग एनी थिंग फ्राम यू मतलब आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा ओके okay? कि ना तो आप उसको कोई सेल्फी भेजो ना तो लेकिन दूसरा एक नज़र ऐसा होता है कि ये पर्सन आपसे कुछ मांग रहा है यू you नो know? अब वो क्या मांग रहा है आपके ऊपर डिपेंडेंट है आ, देखो किसी को भी इमोशनली ट्रबल करना आसान होता है है ना एंड लोग झट से इसके झांसे में आते हैं तो बस मैं कहूँगा कि ज़्यादा इसमें तो सुबह में ना करो फिर ज्यादा इसमें इमोशनली ना पड़ो ठीक है थर्ड जो कार्ड है वो है अफ्रेड तो कोई पर्सन जो है शायद आप या फिर वो आ, कोई मूव करने से अफ्रेड हो गया है मतलब नेक्स्ट कदम जो है होगा उनका वो डालने के लिए या फिर आ, अपना कदम उठाने के लिए वो थोड़ा सा डर रहा है शायद कोई ऐसी बात है जो करने के लिए वो राजी नहीं है लेकिन उनको लग रहा है कि ऐसा कर सकते हैं मुझे बस इतना लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपके साथ पैशनेट होना चाहता है बिफोर मैरिज और अगर आप इसके लिए रेडी नहीं हो सो आई शुड से कि आप अपना नज़रिया देखो क्योंकि भुगतना तो आपको पड़ेगा ठीक है क्योंकि ये पर्सन अगर आप दोनों के बीच अगर सेपरेशन आ भी जाए एंड अगर आपको कुछ हो गया बिकॉज ऑफ दैट फिज़िकल अट्रैक्शन तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल हो गए फोर्थ जो कार्ड है वो है क्लैरिटी समवेयर आई थिंक ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे सकता है क्लैरिटी कुछ इस कदर भी हो सकती है दैट द पर्सन वॉन्ट टू हैव फन और सेक्स विथ यू एंड उसके बाद ही शायद वो तो डिसाइड कर सकता है द पर्सन वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर और नॉट ये क्लैरिटी यहाँ पे आ रही है जो क्लियर में को बता रहा हूँ जिसको लग सकता है वो इसे ले सकता है ठीक है सेकेंडली बात ऐसे है कि अगर वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है तो अगर आपसे कोई उसको उम्मीदें हैं कि आप ऐसा करोगे आप वैसा करोगे आप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करोगे तो डायरेक्टली आपको बता देगा दैट आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू तो देखो ये उनका नजरिया है जरूरी नहीं कि आपका नज़रिया भी वैसा ही हो कुछ लोगों का नज़रिया सूटेबल नहीं होता कुछ लोगों को इससे तकलीफ भी होती है डिपेंडिंग ऑन दैट कि आप क्या सोचते हो फाइनली तो जो थर्ड टैरोड है सही मतलब थर्ड जो है ऑब्जेक्ट वो देखते हैं पहला जो कार्ड है वो है टेम्प्रंस ठीक है सेकेंड जो कार्ड है वो है द दम्प्रस थर्ड जो कार्ड है वो है टू ऑफ कप्स एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है हार फंड ठीक है तो यहाँ पे हमें हार फंड नज़र आ रहा है एंड अब देखते हैं कि रीडिंग हमें यहाँ पे क्या नजर आ रही है पहला तो डायरेक्ट हमने देख ही लिया सेकेंडली अभी रिलेशनशिप मैसेज पे देख लिया टेम्प्रेंसी यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है ठीक है एंड आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है कि बहुत ही जल्द सोल्यूशन निकलेगा तो अगर आपको लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं पर अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आप दोनों अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं ऑब्वियसली आप अभी किसी से बातचीत कर और ये पर्सन भी शायद किसी से बातचीत कर रहा है कि ताकि आप दोनों के बीच अभी दोबारा से कोई भी प्रॉब्लम ना आए ठीक है एंड दैट इज़ वॉट गोइंग ऑन बिटवीन दिस पर्सन एंड यू शायद वो तो अपने किसी दोस्तों से आपके बारे में कह सकता है कि भाई वाट एवर इज़ गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड दैम द पर्सन वॉन्ट टू क्लैरिफाइट ठीक है तो क्या करें कब मिले कैसे मिले इन सब के बारे में वो किसी से सलाह मशवरा कर सकता है द एम्प्रेस है यहाँ पर और एम्प्रेस से जो एनर्जी नज़र आ रही है जैसे कि मैंने कहा कि ये पर्सन आपके लिए मदहोश हो रहा है पागल हो रहा है द पर्सन वॉन्ट टू बी विथ यू सेक्शुअली एक्टिव कहीं ना कहीं पर सेक्शली एक्टिव चीज़ें हो रही हैं और बिकॉज द एम्प्रेस ओवर हियर अगर कोई पर्सन जो है वो अगर मेटर्निटी लीव पे है या फिर सम बेडीज़ प्रेगनेंट बिकॉज ऑफ दैट वन तो कहीं ना कहीं ये बात भी यहाँ पे नज़र आ सकती है नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है टू ऑफ कप्स एंड फाइनल जो कार्ड है वो है दार फंड हार फंड ये टॉलस uh, को रिप्रेजेंट करता है लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें जो है टू ऑफ कप्स तो ये वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो एंड पाइसिस अगर हम इन चारों कार्ड को देखें तो कहीं ना कहीं यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे सेक्शुअली पैशन बहुत ज़्यादा है और ये पर्सन आपसे कनेक्ट तो होना चाहता है लेकिन बस बात वही आती है जैसे कि यहाँ पे पहले कार्ड आ गया था डू यू ट्रस्ट मी या फिर ट्रस्ट मी देखो ट्रस्ट का यहाँ पे इशू नहीं आता ओके okay? Uh, बस किसी ने कहा कि आई वॉन्ट टू बी विथ यू एंड किसी से शुरुआत हो गई और वो फिर सेक्शुअल डिज़ायर बढ़ गया एंड यू जस्ट यू नो सी योर सेल्फ इन अ बेडरूम तो वो एक बहुत ही अलग नज़ारा हो गया ठीक है जैसे इमेजिंग करता है ना ऐसे करता है एंड कुछ और चीज़ निकलती हैं ये एक हेल्दी रिलेशनशिप का सिस्टम बिल्कुल नहीं है हेल्दी रिलेशनशिप तब होती हैं जब आप दोनों के बीच सभी चीज़ें क्लियर होती है यू नो दैट वॉट यू वॉन्ट ओके देखो अगर आपको इससे फ़र्क पड़ने वाला है कि अगर इसने फिर आपसे अगर कॉन्टैक्ट नहीं किया तो फिर आप दुखी हो गए तो इससे अच्छा है कि आप एक दूसरे को अपना दिल क्लियर करो कि भाई मुझे तुम पसंद आता है मे वे बिकॉज ऑफ़ योर फेस बिकॉज ऑफ योर बॉडी बिकॉज ऑफ़ ये एटीट्यूड दैट सेट नथिंग एल्स अब अगर तुम्हें मुझसे मेरे साथ अगर आगे बढ़ना है सो मू ऑन यू नो सो दिस ट्राई टू फाइंड समझ कोशिश करो अपनी तरफ से सेटल हो जाओ तो मैं भी सेटल हो जाऊँगी यू नो कहीं कही ना कहीं लग रहा है कि ये किसी अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड एंड वो यू नो समवेयर द फ्रेंड्स कैन मैनिपुलेट योर पर्सन आपका फ्रेंड आपका जो लवर है वो अगर सही भी होगा तो शायद उसको वो गलत राह पर लेके जा सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट यू शुड बी क्लियरली अवेयर ऑफ दिस थिंग क्योंकि बाद में जो तकलीफ होगी वो आपको ही होगी सो so, बस मुझे लग रहा है कि ये पर्सन शायद आपके बारे में कि जैसे बस इतना ही कह रहा है पर्सन वॉन्ट बी विथ यू सेक्शुअली ओके सब मेड मुझे तो लग रहा है नाउ डिपेंड्स व्हाट हैपेंस नेक्स्ट थी अरे तो यहाँ पर सोलह मिनट बाईस सेकंड हो गया पच्चीस को हम रीडिंग करते हैं सोलह पच्चीस हो गया देखो ये हैं इज़ दिस योर विश कि यही आपकी विश थी अगर इन्होंने आप जिन्होंने अभी कार्ड चुना है देखते हैं उनके लिए क्या रीडिंग आती है सबसे तो पहला कार्ड जो है वो है वॉन्ट सिक्स पॉइंट्स डायरेक्टली मैरिज का साइन आ गया देन वी हैव द दॉस देन वी हैव द पेजेस Of, of swords. Wow. Pages. <laughs> एक मेरी फेवरेट सीरीज है एवर आफ्टर हाँ यूट्यूब पे भी आपको देखने को मिलेगी और नेटफ्लिक्स पे भी हैं यूट्यूब पे एक्चुअली बहुत सारे बहुत ही बेहतरीन सीरीज है देख लीजिए कभी ठीक है uh, देखो इसमें हामिट आ चुका है फिर इसमें है पेज ऑफ सोड्स फिर इसमें है नाइन ऑफ सोर्स एंड ये है सिक्स ऑफ फोन क्लियर इंफॉर्मेशन तो मुझे मिल रही है लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे जाएँगे फायरसन यहाँ पे एयरियस सोड है यानी कि लिब्रा एक्वेरियस एंड वी गॉट दी हमेट ठीक है तो हमेट यहाँ पर आ चुका है तो अब देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ठीक है देखो बातें यहाँ पे कुछ इस कदर हो रही हैं जैसे कि अभी हर्मिट है वो वर्गों का है ओके तो कहीं ना कहीं पेंटेकल्स यानी कि अर्थ साइन भी यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा है लेकिन अर्थ साइन होता है रूट से और वो आ गया है सबसे लास्ट समथिंग डिफरेंट ओवर हेयर पहला जो कार्ड है वॉस इज ऑफ वॉन्ट टू समवेयर आई थिंक अगर कोई किसी से बात कर रहा है तो शायद यही बात हो रही है कि रिगार्डिंग मैरिज कि मुझे मैरिज करनी है यू नो द पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि मैरिज कैसे हो सकती है यू you नो know, तो शायद शादी के लिए ही सब कुछ चल रहा था या फिर सब कुछ चल रहा है द पर्सन इज़ वेरी मच एक्साइटेड टू बी विद यू यू नो या तो ये कुछ महीने पहले की बात है जिसके बारे में वो आज भी सोच रहा है या फिर द पर्सन वॉन्ट टू डू इट इन आफ्टर टू मंथ्स ठीक है लेकिन जो हमें सेकेंड कार्ड दिख रहा है वो है नाइन ऑफ सॉर्ड एंड ये हैं मानो किसी ने इनके सतनों के ऊपर पानी बिखेर दिया है ना समय लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ या तो खुश नहीं है फिर जो भी चीज़ें हैं वो उस कदर प्लान आउट नहीं हो रही हैं यू नो जैसे कि मैंने पहले रीडिंग में भी कहा पहले पायल में समय इट इज़ हैपनिंग कि या तो फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आपको क्रॉस कर रहे हैं ठीक है थीके? आप दोनों के बीच वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मे बी आप दोनों शायद बहुत अच्छे जॉब पे हो बहुत अच्छी सिचुएशन पे हो एंड यू आर अर्निंग वेल इनफ फॉर यू अगर आप अकेले भी रह के अगर ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको लेकिन कही कहीं ना कहीं यहाँ पर मैरिज के जो सपने हैं वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नज़र आ रहे हैं अब या तो ये यूँ हुआ क्योंकि मे बी शायद इनका कोई सच आपको पता चला होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट दोनों में शायद सेपरेशन आ गया होगा या फिर समवेयर इस लाइक किसी फैमिली मेम्बर को कोई प्रॉब्लम हो गई एंड मे बी द पर्सन वॉन्ट टू सी योर लवर विद समी एल्स ओके ऐसा क्वेश्चन हो सकता है इज अगेन अबाउट द पेन तो कोई पेन में देखो ये कार्ड रिवर्स भी आ सकता था लेकिन ये कार्ड स्ट्रेट आ गया ठीक okay? है अब स्ट्रेट की मीनिंग बहुत ही अलग होती है यहाँ पे कोई पर्सन जो है वो दर्द में है अब अगर कोई दर्द में है क्यों है तो कहीं ना कहीं मे बी ये पर्सन आपसे शादी तो करना चाहता है लेकिन शायद उसका पहला जो दर्द है वो अभी तक चला नहीं गया है इफ़ यू नो दैट दिस पर्सन वॉज विध समबड़ी एल्स विद द थर्ड पार्टी विथ द एक्स और अगर उसको बुला नहीं पाए तो शायद वो भी खुश हो सकता है कि मतलब आगे तो बढ़ रहा है लेकिन दिल में कहीं ना कहीं नासुर बन रहा है और ये आपके रिश्ते के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा सम्बर यू नीड टू क्लैरिफाइड कि भाई क्या है ऐसी बातें जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो मतलब कई बार लवर जो होते हैं वह एक दूसरे को कुछ बातें बताते नहीं छुपाते हैं ना you know? और ये फिर दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता ओके okay? उनके जैसे कि अगर आपको लगा कि आपने कोई अगर चीज़ किसी के लिए ले ली तो वो अच्छा दिखेगा उस चीज़ में लेकिन क्या उसे वो चीज़ एक्सेप्टेबल होगी ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ठीक है थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है पेज ऑफ सॉड्स अब पेज ऑफ सॉड यहाँ पे क्यों आ गया है देखो ये रिवर्स में है कहीं ना कहीं यहाँ पे आ, रिवेंज वाली जो भूमिका है वो रिवर्स में जा रही है साथ में आगे बढ़ने वाली भूमिका भी रिवर्स में आ रही है समय ये पर्सन शायद कोल्ड हो सकता है मतलब ना तो इसको बात करनी है ना तो इसको कुछ करना है शायद इसके दोस्त ने सो कहा होगा यू शुड स्टे अलोन एंड कुछ दिनों के लिए शांत हो जा नो कम्युनिकेशन नो टॉक यू नो शायद वो चल रहा है इसके दुनिया में समय द पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट द एग्जैक्ट थिंग अगर आप उनसे बात कर भी रहे तो शायद वो मेन मूवमेंट को लेके बात नहीं कर रहे हैं नो you know? शायद उससे दूर भाग रहे हैं एंड कहीं और फोकस कर रहे हैं लाइक like उनको किसी बात में कमी पड़े ही नहीं है यू नो इस लाइक की बात करेंगे कि भाई पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है यू नो ई कौन सी नहीं आ रही है या फिर um, कौन सी पार्टी भी होने वाली बट वॉट अबाउट रिलेशनशिप नहीं बात नहीं कर रहे वाइ बिकॉज समबडी इज़ टेलिंग देम टू डाइवर्ट द टॉपिक ठीक है जैसे कि मैंने कार्ड देखा सिक्स ऑफ वट बहुत ही बेहतरीन साइन होता है लेकिन कहीं ना कहीं ये साइन ऐसा है कि या तो उस तरफ जा रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो या तो ये होता है कि ये पर्सन शायद किसी और के साथ कनेक्ट होना चाहता है और आपको कहीं ना कहीं यू you नो know, अटका के रख रहे था कि आप उन सच्चाई तक ना पहुँचें एंड समय दिस इज़ हैपनिंग कि ये पर्सन शायद आपको कहीं साइड में रख रहे हैं तो शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई रीडिंग की कि मैरिज के थाट्स हैं लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे कन्फ्यूजन आ रहा है देखो हामिट यहाँ पे जो आ रहा है वो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है हेमिट का सिंपल मीनिंग है कहीं ना कहीं इसको एक सही गाइडेंस मिलने की ज़रूरत है और जो शायद अभी इसको मिल नहीं रही है कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद इसको गाइडेंस मिलने में लेट हो सकती है और अगर ऐसी बात है तो आई थिंक यू शुड बी अवेयर ऑफ इट अगर ये कोई गलत डिसीज़न ले रहे हैं या फिर गलत फ़हमी में, में रह रहे हैं तो आपको वो उनकी गलत बहुत जल्द दूर करने की ज़रूरत है क्योंकि अगर आपने देर कर दी तो शायद ये पर्सन कुछ और ही कर बैठेगा यह आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा दैट नीड टू थिंक इट ठीक है इस बात को समझिए आप कि अगर ये पर्सन और ज़्यादा लेट करेगा सच्चाई को समझने में या फिर आपको समझने में तो शायद कुछ उल्टा ही कर बैठे जो उसके लिए और आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा दैट इज़ वॉट वी सी हीयर कहीं ना कहीं पर रिश्ता जो है वो मानो थम सा गया है लेकिन एग्जैक्टली exactly इनका कौन सा दोस्त है जो इनको सपोर्ट कर रहा है और कौन सा दोस्त है जो यू नो अल्टीमेटली इनका अच्छा फ्रेंड है और कौन इसकी खींच रहा है यू डोंट नो ठीक है कोई एक प्रॉब्लम है यहाँ पे और ये तो यहाँ पे रीडिंग क्या आ रही है देखो पहला जो कार्ड है वो है प्लानिंग समर ये पर्सन अभी प्लानिंग कर रहा है मैं ये अपने दोस्तों की राय ले रहा है कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ अगर एग्जैक्टली exactly शादी की बात है या फिर आपसे जुड़ने की बात है तो क्या हो सकता है ये यू नो हाउ द पर्सन शुड कम्युनिकेट विथ यू और उसका वे ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए लेकिन सेकेंड जो कार्ड है वो है स्पीचलेस हम दो कार्ड और देखते थे डायरेक्टली क्लोज वन एंड आफ्टर यू ठीक है कहीं ना कहीं से लग रहा है कि शायद आगे बढ़ने के रास्ते जो है वो थोड़े से बंद होते नजर आ रहे हैं इसको ठीक है आम, ये ऐसा होता है हमें पहले इसका अंदाज़ा नहीं होता लेकिन बाद में इसको हम इसको फिगर आउट कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आई डेंट हैव अ कार और uh, अभी भी वो कार एक गराज में है उसके पार्ट्स मुझे मिलने वाले थे एंड सब कुछ क्लियर होने वाला था लेकिन एक गराज वाले ने कहा कि हम उसे बाद में देखेंगे बिकॉज राइट वी आर नॉट गेटिंग द पार्ट्स के लॉकडाउन जस्ट खुला हुआ था एंड अब क्योंकि उसको एक साल हो गया है उसका आर से रिन्यूअल पेंडिंग है बट बिकॉज नाउ द पार्ट्स आर वेरी कॉस्टली आई एम नॉट ट्राइंग टू यू नो डू द रिन्यूअल ऑफ द आर सी तो मैं अभी उसका आरसर रिन्यूअल नहीं कर रहा हूँ द कार वुड गो टू द स्क्रैप बट दिस इज समथिंग विच आई है डिसाइडेड मच लेटर ऑन बहुत एटलीस्ट एक साल बाद मैं इस नतीजे पे आ गया जैसे ये बात है वैसे ही यहाँ पे ये प्लानिंग कर रहा है लेकिन अभी इस पीछे उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ यू you नो know, दोस्तों की राय ले रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है कि मैं किस दोस्त की सुनूं, क्या करूं कि हर दोस्त का कोई ना कोई अलग फ़साना होगा किसने अरेंज मैरिज की होगी किसी ने लव मैरिज की होगी यू नो कई बार लव मैरिज सक्सेसफुल होती है और अरेंज मैरिज अनसक्सेसफुल और कई बार उल्टा भी होता है तो ऐसे में किसका सुने किसका ना सुने ये समझ नहीं सकता क्लोज है कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि भाई एक दरवाजा बंद होते हैं जिसको नजर आ रहा है यू नो एंड फाइनल कार्ड इज आफ्टर यू तो आई थिंक ये मोस्टली आपके ऊपर ही सारी जिम्मेदारियाँ डाल देगा वॉट एवर मतलब आपको ही चुनाव करना होगा वेदर यू वॉन्ट टू बी रिलेशनशिप और नॉट एंड फाइनली जो टैरो कार्ड्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो है थ्री ऑफ कप्स कैंसापियो पैस नाइट ऑफ कप्स सेम देन वी हैं फाइव ऑफ कॉन्स रिवर्स आ गया एंड टेन ऑफ कप्स वाओ तीनों जो है वो कप्स के कार्ड आ गए हैं जो कि हैं वाटर साइन कैंस का एंड एक ही है जो है फाइव ऑफ कप्स थ्री फाइव ऑफ जो कि है पेंडाकस यानी कि अर्थ साइन टॉरस वर्को एन कैप्रिकॉन ये रिवर्स में आ चुका है ठीक है और देखते हैं इसका रीडिंग क्या है इसका रीडिंग बहुत ही सिंपल है अगर हम इसकी तरफ देखें तो ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहता है और किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहता ठीक है अगर मैं इस बात के ऊपर फोकस करें तो सूनर यू विल फाइंड दिस पर्सन स्टार्टिंग टू विजिट योर ड्रीम्स ओके एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ इन टू हिज आर्म्स यस बहुत जल्द आपकी शादी हो सकती है या फिर आप दोनों एक हो सकते हैं यू नो बिकॉज आई थिंक मुझे लग रहा है कि यह पर्सन आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने दोस्तों में से सच्चा दोस्त कौन है ये ढूंढने की कोशिश कर रहा है सिमिलर टू यू अगर आपका भी कोई ऐसा एक रिश्ता है कि आप किसी अपना दोस्त मान रहे हैं और वो एक्चुअली में आपका दोस्त नहीं है बल्कि बस दिखावा कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसे दोस्त को साइड में करने की ज़रूरत हो ठीक है सेकेंड जो कार्ड में यहाँ पर नज़र आ रहा है वो है नाइट ऑफ कप्स ये पर्सन अभी आपको पाए बिना नहीं रहेगा आ, सही दोस्तों से मशवरा ले रहा है अन्य पर्सन आपके लिए जो भी कर सकता है करेगा डेफिनेटली बट दैट मींस कि उसे बहुत सारी मेहनत करनी होगी और चीज़ें विद इन सेकेंड कम ही बदलती हैं तो शायद वो कुछ अलग रास्ते अपनाएगा बहुत समय लेगा देन द पर्सन विल डू समथिंग फॉर यू ठीक है तो आपके लिए कोई ऐसा चुनाव करने के लिए उसको समय भी लग सकता है लेकिन आपको उसके लिए प्रिपरेशन करना होगा थर्ड तो जो कार्ड है फाइव पॉइंट जो कि रिवर्स तो कहीं ना कहीं अभी इसको बिल्कुल भी नेगेटिव फेज़ में नहीं रहना है ऐसे आपने काफ़ी जोड़े काफ़ी कपल या काफ़ी लोग देखे होंगे शायद वो आपके दोस्त भी हो कि किसी का रिश्ता टूट गया किसी का दिल टूट गया वो मायूसी है जब भी उसे मिलो तो मायूसी होता है ओके okay. ये अच्छी बात नहीं है यू you नो know, अगर आप उसके चेहरे पे देखते तो रौनक नहीं होती नहीं ये पर्सन अभी ऐसे रिश्ते में बिल्कुल नहीं रहना चाहता अगर आप उससे पूछोगे तो किसी भी कहेगा कि आई वांट माय लाइफ बैक उसको अपनी खुशी चाहिए और अगर आप से, से खुशी है तो डेफिनेटली द पर्सन विल बी विथ यू एंड फाइनल कार्ट टेन ऑफ कप्स तो इसका जो फाइनल अल्टीमेटम फोकस है वो आपके ऊपर है ये पर्सन आपसे जुड़ना चाहता है एंड अंदाज से लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी बात है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ ठीक है थोड़ा सा डिसेप्शन यहाँ पे दिख रहा है डिसप्शन इसलिए दिख रहा है कि टेन ऑफ कप्स यहाँ पे आ चुका है और अगर हम यहाँ पे देखें तो थ्री ऑफ कप्स ये स्टार्टिंग था कहीं ना कहीं शायद उसका कोई दोस्त है वो उसे कोई ऐसा सलाह मशवरा दे सकता है जैसे कि मैंने पहले भी किसी बारे में कहा था पहले बारे में कि दिस पर्सन विल ट्राई टू सड्यूस यू सिलेक्शन करना कोई बुरी बात नहीं है दैट्स गाट बी ए गुड अगर आप उससे कनेक्टेड तो कई लोगों को फ्लड करना अच्छा लगता है और फ्लड जिसके साथ हो रहा है अगर उसको भी अच्छा लगता है तो ये बहुत अच्छी बात है अगर किसी को बुरा लगता है तो फ्लर्ट नहीं होना चाहिए है ना लेकिन अगर ये पर्सन चाहता है दैट तो यू एंड देम टुगेदर तो अलोन इन द बेडरूम तो इफ़ यू फील दैट इज़ नॉट गुड देन यू शुड अवॉइड इट यू नो देखो अगर आपको आपका पर्सन पसंद है तो शायद इसलिए पसंद है क्योंकि उनमें काफ़ी गुण हैं लेकिन जैसे हम कहते हैं कि हर एक के हर गुण हमें पसंद नहीं आते ओके फॉर एग्जाम्पल आपको कोई लॉयर पसंद है तो इसलिए पसंद है बिकॉज ही इज़ अ लॉयर अगर वही पर्सन अगर डिफरेंट जॉब करेगा तो आपको पसंद नहीं आएगा बस वैसे ही है आपको आपका पर्सन पसंद, पसंद है बिकॉज द पर्सन द फ्लर्टिंग विथ यू बट इफ द पर्सन क्रॉसेज द लिमिट एंड वॉन्ट टू हैव यू सेक्शुअली देन थोड़ा सा अलग हो सकता है तो मैं बस इतना कहूंगा कि इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद दिस पर्सन देन डू कनेक्ट विद दिस पर्सन रोमांटिकली अगर आपको डिनर डेट पे लेके जाता है अगर आपके ऊपर शेर व करता है अगर आपको भरोसा चलता है कि द पर्सन विल बी विथ यू देन वेट टिल द टाइम यू गेट मैरिड जैसे ही मैरिज हो जाए यू आर रेडी स्टडी टू गो एंड डू वॉट यू वॉन्ट नो बडी इज़ देर टू स्टॉप यू लेकिन अगर बस इनका ख्याल ही पुला है द पर्सन वॉन्ट टू टेस्ट यू बिफोर मैरिज देन दैट इज़ नॉट गुड ठीक है तो कहीं ना कहीं ये मुझे नज़र आता है दैट्स वाई आई टोल्ड यू बाकी आपके ऊपर हाँ डिपेंड है थर्डिंग रेडिंग आप इतने रोजाने ठंग के सनिंग ऑफ मेनी ठेरो